कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक छोटे से शहर में, जहां विसेंटे नाम का एक आदमी दुकान में घुसा और शराब की बॉटल्स अपनी जैकेट में छिपा ली। वहीं बाहर उसके बेटे इयन ने अपनी जादुई शक्ति से ऐसा माया जाल बनाया जिससे दुकानदार को चोरी दिखाई ही नहीं दी। विसेंटे एक चॉकलेट खरीद कर बाहर आ गया। इयन ने अब भी अपना जादू बरकरार रखा था, पर अचानक वहां कुछ लड़कियों ने इयन का ध्यान भटका दिया और उसका जादू टूट गया। तभी दुकानदार को चोरी का पता लग गया और वो विंसेंट के पीछे दौड़ी। तभी इयन ने फिर से जादू किया जिससे औरत को लगा कि उसके हाथ में बंदूक है, पर वो रुकी नहीं और इयन ने गोली चला दी। अब विसेंटे तुरंत इयन को लेकर भाग निकला और उनके पीछे पुलिस पड़ गई। उधर ऑफिसर ने जैसे ही औरत को उठाया तो गोली के निशान गायब हो गए। वहीं जब पुलिस उन तक पहुंचने ही वाली थी तो इयन ने फिर से जादू किया जिससे पुलिस को लगा कि वो बाएं मुड़ गए हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही जादू फिर टूट गया और पुलिस फिर से उनके पीछे लग गई। तब इयन ने अपने पिता से कहा कि वो जादू से अरबपति बन सकते हैं, फिर ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करवाते हो। इस पर विसेंटे ने कहा कि ऐसा करने पर कुछ खास लोगों को उसकी शक्तियों का पता चल जाएगा, मगर ये लोग कौन हैं ये विसेंटे ने नहीं बताया। इसके बाद इयन ने एक और माया जाल बनाया जिसमें पुलिस को लगा कि जोरदार बर्फ पड़ रही है और अचानक से उनकी गाड़ी पलट गई। ये सारी घटनाएं सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होकर डॉक्टर एड्रियाना नाम की एक औरत तक पहुंची। अगली सुबह इयन और विसेंटे एक सुनसान समुद्री जहाज पर छिपे थे। यहाँ इयन को अपनी माँ का सपना आया जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो गाना गा रही थी और अचानक जोर से चिल्ला उठी। तभी इयन की आंख खुल गई और विसेंटे ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। इयन भी बाहर घूमकर आम बच्चों की तरह जन्मदिन मनाना चाहता था, मगर विसेंटे ने मना कर दिया, जिस वजह से इयन गुस्से में अपने कमरे की खिड़की से भाग गया। शाम को एड्रियाना ने अपने आदमियों के साथ विसेंटे को ढूंढ लिया और बताया कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से एक दूसरे को जानते हों। वो विसेंटे से इयन के बारे में जानना चाहती थी। तभी उसे खबर मिली कि इयन का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग इयन को अगवा करने पहुंचे। वहां पर सीवर नाम का एक आदमी मौजूद था जिसके पास इयन जैसी ही शक्तियां थी। उसने इयन को बचाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी के लोगों ने उसकी शक्तियां ब्लॉक कर दी। फिर वहां एस्टर नाम की एक लड़की और एक एजेंट आया जो इयन को बाहर ले आए। वो उसे वैन में एड्रियाना के पास ले गए जिसने विसेंटे को भी अगवा कर रखा था। वैन में जाते ही उन्होंने इयन को पकड़कर हेलमेट लगा दिया और फिर जबरदस्ती उसके खून का सैंपल लिया। कुछ समय बाद जब इयन की आंख खुली तो वो एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में था। तब एड्रियाना ने उसे बताया कि एजेंसी कॉन्साइंस नाम के एक ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है जिसे इयन जैसी शक्तियों वाले लोगों ने बनाया है। ये लोग पूरे देश को अपनी मर्जी से चलाते हैं, जिस वजह से सरकारें तो बदलती रहती हैं, मगर देश वहीं का वहीं। इसलिए एजेंसी कॉन्साइंस को हराकर फिर से डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। एड्रियाना ने कहा कि परसीवर कॉन्साइंस के लिए काम करता है और वो भी इयन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करेगा, पर उसे परसीवर के साथ नहीं जाना चाहिए। असल में एड्रियाना इयन के खून से उसकी शक्ति के सैंपल्स निकालकर कॉन्साइंस का सामना करना चाहती थी। फिर जब इयन ने अपने पिता से मिलने की बात कही तो एड्रियाना उसे विसेंटे के पास ले आई। विसेंटे ने इयन से कहा कि एजेंसी सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका इस्तेमाल करना चाहती है, तो एड्रियाना ने इयन को विंसेंट का दिमाग पढ़कर सच जानने को कहा। अब इयन विसेंटे के दिमाग में घुसा और उसने देखा कि कई साल पहले विसेंटे एजेंसी के लिए ही काम करता था, और जब इयन एक बच्चा था तो विसेंटे ने उसे चुरा लिया। एड्रियाना ने उसे रोकने की कोशिश की तो विसेंटे उसे धक्का देकर भाग निकला। तभी इयन असलियत में लौट आया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विसेंटे उसका असली पिता नहीं है। एड्रियाना ने कहा कि हो सकता है कि उसकी माँ अब भी जिंदा हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन शक्तियों का फॉर्मूला कई साल पहले डॉक्टर किंस्की ने बनाया था। जिसे भी ये शक्ति मिली वो परसीवर बन गया, मगर फिर वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। अब एजेंसी को इयन के खून में कोई फॉर्मूला नहीं मिला, जिसका मतलब था कि इयन को ये शक्तियाँ किसी केमिकल से नहीं बल्कि अपने माँ बाप से मिली हैं। यानी उसके माँ बाप दुनिया के पहले परसीवर्स थे जो बच्चा पैदा कर पाए। तब एड्रियाना को एहसास हुआ कि शायद इयन को वो खास ताकत भी मिल गई होगी जिससे वो लोगों का दिमाग अपनी मर्जी से चला सकता है। कुछ समय बाद एस्टर इयन से मिलने आई और उसने कहा कि ये लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ भाग चलो। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक कई गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया, पर एस्टर ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना करके एक एक को धूल चटा दी। जाने से पहले इयन ने विसेंटे को भी साथ ले लिया क्योंकि अभी उसे और भी राज जानने थे। जल्द ही गार्ड्स को खबर लग गई, पर तब तक वो लोग फरार हो गए थे। तब परसीवर भी उसे ढूंढता हुआ आ गया, पर इयन ने अपने माया जाल से उसे भी धोखा दे दिया। आखिरकार वो तीनों एक होटल में रुके। अगली सुबह वो एस्टर के साथ एक बैंक में गया और उसने कैशियर को खाली कागज देकर जादू कर दिया, जिससे कैशियर को लगा कि ये तो एक चेक है, और उसने इयन को ढेर सारे पैसे दे दिए।
अब वो कमरे में आकर नाच रहे थे कि अचानक परसीवर के आने की आवाज सुनाई दी। तभी इयन ने फिर से माया जाल बनाया जिससे परसीवर को एक पुराना खाली कमरा दिखाई दिया। पर जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि उनका जादू शीशे पर काम नहीं करता था। अब इयन और परसीवर में लड़ाई छिड़ गई। परसीवर ने इयन के दिमाग में जाकर देखा कि वो पोलैंड जाकर उस साइंटिस्ट को ढूंढना चाहता है जिसने ये फॉर्मूला बनाया था। ये देखकर परसीवर ने इयन को छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विसेंटे आया और उसने इयन को बहुत डांटा, क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी। अब विसेंटे ने उसे दो रास्ते दिए, या तो वो अकेला अपने रास्ते पर जा सकता है या विसेंटे के साथ सुरक्षित जगह रहे। पर इयन उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड चला गया। वहाँ एड्रियाना के एजेंट्स पहले ही उसके इंतजार में बैठे थे, पर अचानक से परसीवर ने उन्हें मार डाला। फिर इयन और एस्टर एक लैब में पहुंचे जहां एक ऐसा कमरा था जो हूबहू उसके सपनों में दिखाई देता था। उसने एक दीवार पर वार किया तो एक खुफिया कमरा मिला जहां प्रोजेक्ट अवेयरनेस नाम की किताब रखी थी। उसमें इयन की माँ की तस्वीर थी और तब ये खुलासा होता है कि इस फॉर्मूले को बनाने वाला साइंटिस्ट इयन का नाना डॉक्टर किन्स्की था, जिसने सबसे पहले अपनी बेटी पर ही ये फॉर्मूला आजमाया। उधर एड्रियाना फिर से विसेंटे से मिली और उसे इयन का पिता होने का फर्ज निभाने को कहा। इधर इयन ने देखा कि एस्टर परसीवर को भी अंदर ले आई थी। एस्टर कहने लगी कि ये उनके सारे सवालों का जवाब देगा, पर इयन ने उसकी एक ना सुनी और बंदूक निकाल ली। लेकिन परसीवर उससे डरा नहीं और उसे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो इयन का असली पिता है। कई साल पहले युद्ध के समय डॉक्टर किन्स्की ने ये फॉर्मूला बनाया था ताकि दुश्मनों के दिमाग को पढ़ा जा सके, और उसने ये शक्ति अपनी बेटी और परसीवर को दी। पर जब युद्ध खत्म हो गया तो सरकार ने ऐसी शक्ति वाले लोगों को खत्म करने का फैसला किया। आखिरकार सभी परसीवर्स ने अपना ग्रुप बनाया और अपनी शक्तियां छिपाकर आम जिंदगी जीने लगे। और फिर एक दिन इयन का जन्म हुआ। खैर, तभी एजेंट्स ने वहां हमला कर दिया, इसीलिए एस्टर इयन को बचाकर परसीवर के घर ले आई। इधर परसीवर ने डटकर एजेंट्स का सामना किया, पर आखिरकार वो पकड़ा गया। फिर उसे एड्रियाना की लैब में लाया गया जहां उसने बेहद दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स करके परसीवर के खून से फॉर्मूला निकालने की कोशिश की, मगर फॉर्मूला उसके खून में इतना घुल चुका था कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। जब परसीवर अकेला था तो उसने रोबोट की आंखों में देखा और उसके कंट्रोलर का दिमाग अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब ये था कि परसीवर के पास लोगों को काबू करने की भी शक्ति थी, और इसी तरह उसने खुद को आजाद कर लिया। उधर परसीवर के घर जाकर इयन ने देखा कि उसकी माँ अब भी जिंदा थी, लेकिन दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसकी हालत मुर्दों जैसी हो गई थी। इयन अपनी माँ के दिमाग में गया और तभी परसीवर भी वहाँ आ गया। उसने इयन को दिखाया कि कैसे एजेंसी ने उसकी माँ पर अत्याचार किए थे। तब उसकी माँ ने फॉर्मूले को एक याद बनाकर इयन के दिमाग में भर दिया था। परसीवर को भी ये फॉर्मूला चाहिए था जिससे वो खास लोगों की फौज बना सके। जैसे ही वो इयन की ओर बढ़ा तो एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। तब इयन समझ गया कि उसकी माँ परसीवर को फॉर्मूला नहीं देना चाहती। आखिरकार वो असलियत में लौट आए और इयन की माँ चल बसी। उसी वक्त कई एजेंट्स कमरे में घुस आए, पर इयन बहुत गुस्से में था। उसकी भी तीसरी शक्ति जागृत हो गई थी जिससे उसने एजेंट्स का दिमाग काबू करके उनसे एक दूसरे पर गोलियां चलवा दी। फिर वो बाहर आया तो एड्रियाना अपनी फौज के साथ तैयार खड़ी थी। इयन ने उन पर भी जादू कर दिया जिससे उन्होंने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तभी विसेंटे वहां आया और उसने इयन से कहा कि परसीवर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके बहकावे में आकर इतने लोगों का कत्ल करना ठीक नहीं है। तभी परसीवर ने इयन को विसेंटे को मारने को कहा, मगर इयन तो सिर्फ एजेंसी से बदला लेना चाहता था। फिर विसेंटे ने कहा कि ये परसीवर कुछ भी कहे, ये तेरा बाप नहीं है, क्योंकि इसने पाल पोस के थोड़ी बड़ा किया तुझे। अचानक परसीवर ने विसेंटे को गोली मार दी और तभी इयन का जादू टूट गया। फिर परसीवर एस्टर को लेकर वहां से भाग गया। इयन ने विसेंटे को संभाला तो विसेंटे ने उसे अपने दिमाग में जाने को कहा। इयन ने देखा कि उसकी माँ ने ही इयन की जान बचाने के लिए उसे विसेंटे के हवाले किया था। विसेंटे ने अपनी पूरी जिंदगी इयन की रक्षा करने में बिता दी, और ये सब देखने के बाद इयन फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार विसेंटे की मौत हो गई और अब इयन ने गुस्से में बंदूक उठाई और परसीवर को ढूंढने निकल पड़ा। परसीवर पास की एक बिल्डिंग में एक पार्टी में छिपा हुआ था। अब इयन एस्टर की आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और उसने अपनी शक्तियों से सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। तभी परसीवर सामने आया जिसने एस्टर पर बंदूक तान रखी थी। अब इयन और परसीवर के बीच दिमागी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि दोनों बंदूक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, पर इयन की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई और परसीवर ने बंदूक उठा ली। फिर परसीवर ने लोगों पर काबू करके उनसे इयन पर हमला करवा दिया।
इयन ने अपने पूरे दमखम से उनका सामना किया। जल्द ही उसने फिर से अपनी शक्ति से लोगों के सर पर बॉटल्स दे मारी। इधर से परसीवर भी हमलावर भेजता रहा और अंत में एक आदमी इयन का गला घोंटने ही वाला था कि अचानक एड्रियाना ने वहां आकर उसे गोली मार दी। अब परसीवर ने एस्टर को गोली मारने की धमकी दी तो एड्रियाना ने कहा कि वहां तो कोई है ही नहीं। असल में एस्टर सिर्फ परसीवर का बनाया हुआ एक माया जाल थी जो शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ इयन को ही दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसका दिल फिर से टूट गया और वो रोने लगा। तब एस्टर ने उसे यकीन दिलाया कि इयन के लिए उसका प्यार सच्चा है। आखिरकार इयन ने गोली चला दी जो एस्टर के आर पार होकर सीधा परसीवर को लगी और वो मौके पर ही मारा गया। तब एस्टर दौड़कर इयन के गले लग गई। कुछ समय बाद इयन ने अपनी माँ और पिता विसेंटे के लिए कब्र बनवाई। तब एड्रियाना उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसे किसी भी हालत में फॉर्मूला चाहिए था। मगर इयन ने विसेंटे की तरह किसी की भी तरफ ना होकर इस युद्ध से दूर होने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।